तो आज हम बात करने वाले बिल्कुल भी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। आज संडे है तो मैं सोचा एक डिफरेंट वीडियो शूट करते हैं, और आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लेट भी आई है आज, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट होने वाला है ये टॉपिक आपके लिए, और काफ़ी ज़्यादा आपको एक वैल्यू देगा ये टॉपिक, ठीक है। अब इसलिए सुबह से बहुत ज़्यादा काम था, काम कर रहा था, तो मुझे एक टॉपिक मिला जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप बोल सकते हो कि ये एक फाउंडेशन है जो आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, या आप सीपी मार्केटिंग करते हो, या आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो, ठीक है, या आप कोई सा भी बिजनेस करते हो, उसका ये एक फाउंडेशन है। बिकॉज बिना ट्राफिक के आप अर्निंग कर ही नहीं सकते, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो आपका, बिना ट्रैफिक के यू कांट अर्न मनी ऑनलाइन ऑल्सो इन ऑफलाइन। ओके, सो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी हाउ टू जनरेट ट्राफिक, हाउ टू गेट लीड्स एंड लॉट ऑफ थिंग, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया नीचे कि हाउ टू जनरेट ट्राफिक एंड हाउ टू गेट लीड्स। लेकिन ये वो वीडियोस नहीं है जिनमें आपको बताया जाता है कि आप इस पे जाओ, ये करो, वो करो, और उससे ट्रैफिक मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियोस में बताया कि फेसबुक से आप कैसे ट्रैफिक ले सकते हो, इससे कैसे ट्रैफिक ले सकते हो, उससे कैसे ट्रैफिक ले सकते हो, ओके दैट्स ओके, बट यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली ट्रैफिक जो आता है वो फ्री में नहीं आता। फ्री में मतलब नहीं बोलने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्री में आप ट्रैफिक जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन वो जो ट्रैफिक है जो आपके पास आ रहा है वो एक्चुअली फ्री नहीं है, ठीक है। अगर फ्री है तो वो वॉर्थ इट नहीं है, वो काम का नहीं है, 100% मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि वो काम का नहीं है। तो अगर आपको ट्रैफिक चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को खरीद सके, जो आपके प्रोडक्ट पे काम कर सके, तो आपको वैसे ही सोच के और उस प्रकार का ट्रैफिक लाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर मैं किसी गांव के बंदे का, ठीक है, जो विलेज में रहते हैं, जिनको ना तो व्हाट्सअप से मतलब है, ना तो ईमेल से मतलब है, ना तो जीमेल से मतलब है, किसी से भी नहीं मतलब है, ठीक है। सो क्या होता है, अगर मैं उनका ईमेल लूँ और उनको मतलब वो उनका ईमेल लूँ और उनको मैं ईमेल करूँ, डेली पुश करूँ, अगर मेरे पास 100,000 गांव के लोगों का ईमेल है और मैं डेली उनको पुश कर रहा हूँ, तो मतलब मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ एक्चुअली। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, एंड नथिंग आई एम डूइंग, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि लोग बहुत फालतू की ट्रैफिक देते हैं, ठीक है, जाते हैं सोशल मीडिया पे, टूट पड़ते हैं और बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं, बोलते हैं सर मेरे पास मेरे पास जैसे कि मैं अगर बोलूं तो मेरे पास 100,000 लीड है, लेकिन मैं अर्निंग नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज यू आर बेवकूफ, ठीक है, इसलिए आप अर्निंग नहीं कर पा रहा। सो आज यही कॉन्सेप्ट आपको मैं सही से समझा रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना, एक भी मिस मत करना, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं इस पर बात करूँगा, ठीक है, कोई प्लानिंग नहीं की है मैंने, मैं सीधा आज बात करने वाला हूँ आपसे। आई थिंक मैं लाइव करने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि लाइव नहीं करते हैं, सीधा अपने यूट्यूब पे ही डालते हैं, ठीक है। सो करना क्या है गाइस, कि अगर आपको चाहिए, ठीक है, एक बेटर ट्रैफिक, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 1,000 ईमेल है, ओनली 1,000, ठीक, बस इतना ही ईमेल है, लेकिन वो उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं जिनके पास 100,000 ईमेल है, दैट्स ट्रूथ। और आप इसको गूगल, क्या आप सीधा फेसबुक पे जाओ, पोस्ट डालो और पूछो उनसे, वो खुद ही आपको बता देंगे कि उनके पास कितना ईमेल है और वो कितना ज़्यादा ईमेल है। किसी एक बहुत अच्छे मार्केटर ने ये बात कही कि अगर आपके पास 1,000 लोगों की पेड लिस्ट है, जो 1,000 लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को एक बार खरीद चुके हैं, मतलब अगर वो एक बार आपके प्रोडक्ट खरीद चुके हैं, मतलब वो बार बार आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, अगर आपका प्रोडक्ट वर्थ इट है, अच्छा है, तो वो खरीदेंगे। तो अगर ऐसे 1,000 लोग आपके पास हो जाते हैं, तो आप लाइफ टाइम भूखे मर ही नहीं सकते, मतलब बहुत अच्छा पैसिव इनकम आपको लाइफ टाइम आने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको वैसे लोग फाइंड करने हैं जो चीज़ों को लें, ना कि जो चीज़ों को बस मतलब खोले ही नहीं आज तक ईमेल, ठीक है। तो ऐसे लोगों की लिस्ट नहीं बनानी है आपको, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैं जानता हूँ जिनके पास 50,000 की लिस्ट है जो बिल्कुल बेकार है, जिसमें 100-200 लोग ही काम के हैं। सो ऐसा लिस्ट आपको क्रिएट करना ही नहीं है, कभी भी नहीं क्रिएट करना, नेवर डू दैट प्लीज एंड रिक्वेस्ट टू ऑल। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अभी नया ज्वाइन कर रहे हैं, तो कैसे जो आप नया ज्वाइन कर रहे हो ना, तो ये चीज़ को हमेशा याद रखो, ये कहीं चिपका के रखो अपने वॉल में, पीछे पीछे कहीं लगाओ, आगे कहीं लगाओ, कि हमें ऐसे लोगों को फोकस नहीं करना। आई वॉन्ट ऑनली द टारगेटेड ऑडियंस, ओके, आई वॉन्ट ऑनली द फोकस्ड ऑडियंस, जिनको रियली में अर्निंग करनी है, जो रियली सोशल मीडिया में अर्निंग करने आया है। तो ऐसे लोगों को फाइंड करो, और जब ऐसे लोगों को आप फाइंड करोगे, तब बिलीव मी
तब आपका जो लिस्ट है, जो आपका ग्रोथ है, वो होगा। क्योंकि मुझे पता है अभी जैसे हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं, तो मुझसे लोग डेली बात करते हैं कि सर मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं हो रहा, ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। बिकॉज वो ये वही लिस्ट है जिनकी मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप उन लिस्ट को कैप्चर मत करो। अब मैं बोल तो दिया लेकिन बताऊँ कैसे कि कैप्चर मत करो। देखो ऐसे, सबसे पहले नाइजीरिया हो गया, ठीक है, बाहर कर दो, यहाँ के लोग बिल्कुल खरीदते नहीं है, ठीक है, इन लोगों के पास उतने पैसे नहीं। सॉरी बोलना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि उनके पास पैसे नहीं है, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि वो लोग फ्री की चीज़ों को ढूंढते हैं। तो ये सब कंट्री जो है, इनको जो समझो ये टाइप की जो कंट्रीज हैं उनको आपको टारगेट ही नहीं करना है। और लोग क्या करते हैं, इनको ही टारगेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके ईमेल आपको इजी मिलते हैं तो आप इनको टारगेट करते हैं। नहीं, टारगेट मत करो सबसे पहली चीज़। और दूसरी जो चीज़ है, मैं एक सीक्रेट वीडियो बनाऊंगा, मतलब ऐसा नाम रहेगा उसका, सीक्रेट रिवील्ड एकदम, मतलब इस टाइप का, मतलब समझ लो ना, इस टाइप का नाम रखूंगा, सीक्रेट रिवील्ड। और उसमें मतलब थोड़ा क्लिक बैट भी जरूरी है, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे लेजर फोकस करके पूरे लीड्स को कैप्चर करना है। यहाँ मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने फोकस ऑडियंस को कैप्चर करो, चाहे वो पिंटरेस्ट हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, हर जगह। अब लाइक आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना ये है कि आपको यूएस की कंट्री में कूदना है। यूएस बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत वाइड कंट्री है। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सर यूएस के लोग फॉर्म फिल नहीं करते। नहीं, अभी आप जितना अभी ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा पैसा देख रहे हो वो पूरा यूएस से आया है, कम फ्रॉम द यूएस। तो यूएस बहुत बड़ा एक कंट्री है जहाँ से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो, और सब वहीं से निकाल रहे हैं, हम पूरे इंडियंस वहीं से खींच रहे हैं पैसे। तो आप उस कंट्री को टारगेट करो जो आपके लिए काम लायक है। आप टारगेट करो कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों को टारगेट करो और वहाँ से चीज़ों को खींचो। फेसबुक में हर चीज़ के ग्रुप है। अब एक बात बता दूँ, अगर आप सीपीए मार्केटिंग में हो तो सीपीए मार्केटिंग के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बस एक फ्री के फॉर्म फिल कराना है। अब क्या करो, इनके में जो अलग अलग सिटीज़ हैं, लेवल है रिच, मिडिल एंड पुअर, एक लेवल आप जानते हो जो इंडिया में भी चल रहा है, तो ये लेवल दुनिया के हर कंट्रीज़ में चलता है। तो ऐसे करके इनको डिवाइड करो और उस लेवल के मिडिल और पुअर लोगों को पकड़ो जो ऑनलाइन है, ठीक है। और यहाँ जो बाहर की कंट्रीज है वहाँ सब ऑनलाइन है, तो इनके जो सेकेंड और थर्ड स्टेज के लोग हैं इनको पकड़ो, इनको सीपीए के लिए पकड़ो और एक अपनी सीपीए की अलग लिस्ट बनाओ। और एक चीज़ बताओ, क्या आपको इस पर वीडियो चाहिए क्या कि मैं बताऊँ आपको लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैप्चर कैसे करते हैं, ये सब के भी वीडियो चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो में मैं जैसे कहा एक रैंडम वीडियो है ये, सो एक ये रैंडम वीडियो थी। और अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत सारी वीडियो बनाने, ये संडे था तो एक फन डे टाइप का वीडियो था। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय, जय हिंद।